हेलो, वेलकम इन सी डी एकेडमी। माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट मैथमेटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एनडीए में कवर करता है। फर्स्ट पेपर आपका जो वो मैथमेटिक्स का ही होएगा। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि सिलेबस के अंदर में हमारे कौन कौन से टॉपिक मैथमेटिक्स में कवर होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो है एनसीईआरटी प्लस वन एंड प्लस टू बोथ। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक हैं प्लस वन के और प्लस टू के, वो सारे एनडीए में कवर अप होते हैं। वो सारा आपको करना है। क्वेश्चन सारे एमसीक्यू वाले होंगे, क्वेश्चन सारे एमसीक्यू वाले होंगे। लेकिन तो प्लस वन एंड प्लस टू जितने भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के अंदर में, वही सारा आपका सिलेबस है। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करें प्लस वन में। प्लस वन में हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जो प्लस टू में रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड जो वास्ट कहते हैं इसको, सबसे ज़्यादा लेंदी है, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर टॉपिक के अंदर में किसी न किसी तरीके से उसके यूजेज आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा कमांड करना होता है। प्लस वन में तो सीधा सीधा रहेगा सारा, बट प्लस टू में जैसे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के ऊपर हम आते हैं, थोड़ा सा ये जो है सो चेंज हो जाता है। इससे ग्राफ भी चेंज होंगे, इसके नॉर्म्स भी चेंज होंगे, डोमेन एंड रेंज भी चेंज होंगे। ये सब मैं वर्ड आपको बता रहा हूँ, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फंक्शन में, आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल्स जानकारी मिलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है प्लस वन में, वो है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद जो दूसरा इसमें सबसे बड़ा चैप्टर है, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कई बार लोग ज्योमेट्री सुन के इनको लगता है कि जो 9th-10th में हमने पढ़ा था, फिर वही से ज्योमेट्री तो नहीं आ रही है। नहीं, उससे ये थोड़ा सा अलग है, बट उसके ऊपर बेस होएगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने 9th और 10th में पढ़ा, वहाँ से स्टार्ट होएगा और धीरे धीरे करके ये अप करेगा। इसमें दो पार्ट हैं हमारे पास। पहला जो पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो पार्ट है वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई कोन है, इसको क्या करना है, हमने सेक्ट करना है इसको, जो है सो हमने क्या करना है, सेक्ट करना है, मतलब कटिंग करनी है इसको। तो क्या क्या शेप दिखेगा उसके बारे में सारा पढ़ना है। इसमें चार पढ़ने होते हैं हमें। पहला सर्कल, दूसरा है आपका पैराबोला, तीसरा एलिप्स, चौथा है हाइपरबोला। इन चारों के बारे में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल्स में पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि ये फिर प्लस टू में यूज होगा, बट दूसरे तरीके से यूज होगा, डायरेक्टली ये यूज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने बात करी, ये क्या करेगा आपको कि डायरेक्ट यूज होएगा। कहीं कहीं पे बीच में आ गया जैसे आपका, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो है इसके साथ ना यूज होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा नहीं है, वो क्या करेगा आपको धीरे धीरे करके जो है सो सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका प्लस टू में भी यूज होएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में 3D भी एडेड होता है। 3D प्लस वन में बिल्कुल शॉर्ट में है, 3D प्लस वन में बिल्कुल शॉर्ट में है, लेकिन यही चीज़ें आप प्लस टू में फिर डिटेल्स में पढ़ते हैं 3D को। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्लस वन रिलेटेड विद द प्लस टू, यानी प्लस वन में आप अच्छे से कर लेते हैं तो प्लस टू में आपको जो उसी को ब्रॉड करके पढ़ना है। दूसरा बात करते हैं कैलकुलस की, तो कैलकुलस में लिमिट और यूज होगा प्लस टू में जा करके। तो लिमिट कैलकुलस का ये पार्ट है, बेसिक आपका जो है वो है लिमिट सबसे पहले। तो लिमिट हमारा यूज करना है। लिमिट के साथ साथ यहाँ प्लस वन में आपको डेरिवेटिव भी है। अब यहाँ जो है सो सिंपल डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये चीज़ें फिजिक्स में भी यूज होती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट की तरह प्लस वन में बताया जाता है, ताकि आप फिजिक्स में पीछे ना रह जाएं। तो आपकी उतनी ही यूजेज होते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्लस टू में जाएंगे, फिर कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंसिबिलिटी, अगेन आपका डिफरेंशिएशन शुरू होगा एंड द अप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेशन। आखिर हम ये डेरिवेशन पढ़ते ही क्यों हैं, उसके बारे में जो है सो
आपको डेरिवेटिव सारी चीज़ें वो प्लस टू में होंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि प्लस वन के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपका प्लस टू में फिर से यूज होने वाला है। तो यदि आपने मास्टरी कर दी पहले प्लस वन में, तो फिर प्लस टू में आपके पास इनफ टाइम होएगा और आप एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है बीच बीच में आने वाला, उसको हम लोग जानते हैं एपी, जीपी और एचपी के नाम से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, अब पहले हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है ना, इसका उल्टा होता है। जस्ट यदि हम बात करें ए बी सी आर एन ए पी, तो आपका 1/A 1/B 1/C आर एन एच पी होता, आर इन एच पी होता, ठीक। उल्टा यदि 1/A 1/B 1/C एच पी में है, तो ए बी सी क्या हो जाना, इसका ए पी में हो जाना। तो इसलिए ये क्या है, एक ऐसा टॉपिक है, ये भी आपको क्वेश्चन के बीच बीच में आएगा ट्रिग्नोमेट्री की तरह, और इसके बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। वही सारी चीज़ें सेम है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस आएगा, बट 10th में यदि आपने अच्छे से करी है तब तो आपके लिए फिर से आसान है, नहीं किया तो एक बार फिर से पढ़ लेंगे। सारे फार्मूले सेम, वही चीज़ें वहाँ इंट्रोडक्टिव में था, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, और कोई भी चेंजेज इसके अंदर में नहीं है। रही बात, एक और चैप्टर है, इसका नाम है फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन को मैथ में हम लोग सलाद की तरह बोलते हैं। ये क्या करेगा, मैक्सिमम जगह पे यूज में आएगा, मैक्सिमम जगह पे यूज आएगा कि मैथमेटिक्स बेस किसके ऊपर है, वो सारा फंक्शन के ऊपर बेस होता है। मैथमेटिक्स सारा हमारा फंक्शन के ऊपर बेस होता है। इस फंक्शन में कई सारी चीज़ें, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं इसको, रैशनल नंबर, इरेशनल, जितना भी पढ़ा आपने सब एज ए फंक्शन की तरह यूज होता है। यहाँ पे फिर हम अलग से भी पढ़ेंगे, रिलेशन एंड द फंक्शन हमारा टॉपिक है, उसको यूज करते हैं। तीसरा, आंसर लिखने में हमारा हेल्प करते हैं जो फंक्शन के साथ ही है, उसको हम लोग कहते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी है, ये भी हमें हेल्प करता है आंसर लिखने में, ये हमें हेल्प करता है आंसर लिखने में। तो हम बात कर रहे थे फंक्शन, तो फंक्शंस के अंदर में ही सेट, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। तो हम भी, और ये प्लस वन में भी और एज वेल एज आपके प्लस टू के टॉपिक में भी हैं। तो फिर से हमारा क्या कहना है कि ये चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन प्लस टू में जा कर के दोबारा रिवाइज करेगा, थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी, तो ये भी आपका प्लस वन से प्लस टू वैरिज किया। मैं बार बार आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपने प्लस वन अच्छे तरीके से पढ़ ली, तो प्लस टू में आपके पास इनफ टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में, जनरली 25 सितंबर, सितंबर में इसको ऑप्ट करना ज़्यादा आसान रहता है आपके अप्रैल के मुकाबले सितंबर में हमने एग्ज़ाम देना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ऐसा क्यों कहते हैं, अप्रैल में क्या होता है कि ऑलरेडी बच्चे क्या होते हैं, वो बोर्ड के पेपरों के लिए सारी पढ़ाई कर रहते हैं, सारा टेंशन बोर्ड का होता है, और वहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं एनडीए में लैग कर जाते हैं। बट सितंबर में क्या होता है, वो पीसफुली रहते हैं, सारा बोर्ड का कोई वो टेंशन नहीं, ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके होते हैं, सारा हम प्रिपेयर करके आ गए हैं। तो इसलिए सितंबर का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं सेलेक्शंस के। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अप्रैल में बच्चे नहीं करते हैं, अप्रैल में भी करते हैं, लेकिन अप्रैल में मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखा गया है कि वो अंडर प्रेशर होते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम भी देना है, फिर आगे अपना भी वो फ्यूचर भी देखना होता है कि किस तरीके से सेट होगा, यदि ये नहीं हुआ तो और क्या हो सकता है। इसलिए आपका सितंबर का एग्ज़ाम जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, पीसफुली आप इसको कर सकते हैं। तो अब क्या है, सितंबर के लिए फिर हमें प्लानिंग बनानी पड़ती है। भाई सितंबर में पेपर है, सितंबर फर्स्ट वीक, जनरली फर्स्ट वीक, यानी सितंबर आपने काउंट नहीं करना है, सितंबर आपने काउंट नहीं करना है। तो क्या बच गया हमारे पास, अगस्त, यानी आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है अगस्त तक, अगस्त तक आपने पूरा प्रिपेयर हो जाना है। और अगस्त एक ऐसा मंथ है जिसमें आपने सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, फर्स्ट अगस्त से आपने स्टार्टिंग कर लेनी है। यदि आपका एम है कि हमने इस बार रिटर्न क्लियर करना है, तो आपने
फर्स्ट अगस्त से स्टार्टिंग कर लेनी है किसकी, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, किसकी, सेट की, सेट की। जो भी फुल लेंथ टेस्ट है जो 2.5 आवर का है आपने जरूर से करना है, एक मैथ का और दूसरा जीएटी का। ये काम यदि आपने फर्स्ट अगस्त से स्टार्ट नहीं किया रेगुलरली तो आपके चांसेस थोड़े कम हैं रिटर्न में। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी सारे बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई होते हैं, वहाँ पे क्या है, टाइम का प्रॉब्लम है। यदि आपने अपनी टाइमिंग अच्छी रखी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे और सेलेक्शन रेशियो बढ़ जाते हैं, सेलेक्शन का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है कि रिटर्न आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मोस्टली मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि कितने परसेंटेज में आपके सेलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो वैरीज करता है ओवरऑल बच्चों के ऊपर, ओवरऑल बच्चों के ऊपर वैरीज करता है, कभी कट ऑफ ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आया, बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। बट ये देखा गया है कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, आउट ऑफ 120 क्वेश्चन यदि आप 80-90 के बीच में अटैम्प्ट करते हैं तो आपके चांसेस 99% बढ़ते हैं, 99% बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी गलतियां हो सकती हैं। कभी कभी हम क्वेश्चन तो सही करते हैं बट जब OMR में फिल करते हैं तो हमारा वहां पे भी मिस्टेक होता है, हमें वो भी देखनी होती है। हमने जो अगस्त मंथ में प्रैक्टिस की बात करी वो प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, इसके साथ OMR भी कलर करना है विद इन टाइम। हम सारा टाइम क्या करते हैं, जैसे बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता देता हूँ। आपका 120 क्वेश्चन है 2.5 आवर, 2.5 आवर कितना हो गया, 120 प्लस 30, 150 मिनट, 150 मिनट। हम क्या काउंट करते हैं कि अप्रॉक्स 1 मिनट एंड द मोर वन क्वेश्चन के लिए, नहीं, आपको 1 मिनट एंड लेस लगना है। कैसे भाई, कलर करने में भी टाइम लगता, जो आप OMR कलर करते हैं, OMR को जो फिल करते हैं इसको फिल करने में भी टाइम लगता, और वो टाइम हम काउंट नहीं करते। मिनिमम आप यदि 80-90 क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिनिमम जो टाइम लगना वो 15 मिनट का लगना है, तो आप तो पहले इसमें से 15 मिनट आउट कर लो, तो अप्रॉक्स हम क्या करते हैं कि 2 आवर आपके पास जो है सो 2 घंटे बचते हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और उसके बाद कलर करना है, 2 घंटे की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिवाइज भी तो करना है, आपके पास टाइम होना चाहिए कि थोड़ा सा तो रिवाइज कर लें। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान आते हैं, हम सॉल्व भी कर लेते हैं 2 सेकंड में, कलर करने में गलती कर दिया, या जो क्वेश्चन हमें टिक करना था ऑप्शन बी हमने ऑप्शन सी पे टिक कर लिया, तो इसे चेकआउट करना जरूरी होता है। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उसको रिवाइज कर लें, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम रिवाइज कर लें वहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ही हमें पता चलता है अच्छा 70 से ऊपर आ गए भाई अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, नहीं, आपने जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक अपना सिलेक्शन पक्का नहीं मानना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैथ आपको रिटर्न क्वालिफाई नहीं कराएगा, दूसरा पेपर भी तो है, उसे भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आता आपने खुश नहीं होना है, तब तक आपने वही सोचना है कि हमें और कुछ करना है, मोर, थोड़ा और मोर। मैंने बोला 80-90 आप में कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं 100 एंड द 120, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको अभी मैं क्वेश्चन दे दूं, यदि आपकी पूरी तैयारी है तो आप 120 विद इन सॉरी 150 मिनट्स में आप जरूर से कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बट ड्यू टू सम प्रेशर्स, सम चैलेंजेस, वहाँ पे क्या होता है कि हम 120 आउट ऑफ 120 लेस चांसेस होता है कि हम उसको कर सकें। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपने एजेप्शंस, प्री एजेप्शंस कभी नहीं लेना है कि भाई इतने क्वेश्चंस हो गए हैं तो हमारे ये सेलेक्शंस हैं, क्योंकि हम उसी को सोचने लग जाते हैं, पता चला हमारा टाइम जो है सो निकल गया, क्योंकि ये जो है डिफेंस का पेपर है, इसमें डिसिप्लिन सबसे पहले ज़रूरी है। आप थोड़ा सा भी डिसिप्लिन डिसऑबे करते हुए पकड़े गए आपको विद इन सेकेंड्स जो है सो यहाँ पर डिसक्वालीफाई किया जाता है, विद इन सेकेंड, इसलिए डिसिप्लिन। और हम सिविलियन में क्या होता है कि सबसे प्लस जो हमारा हम डिसिप्लिन नहीं है, और वो क्या है, हर चीज़, इवन आउट
आप यदि ठीक से देखें, कभी आपको मौका मिलता है या आपके पेरेंट्स पहले से हैं डिफेंस में, तो आपको देख उनकी जो पार्टियां होती है, पार्टियों में जो बैंड बजते हैं ना, वो भी डिसिप्लिन मैनर में बजते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो मर्जी हो जी पंजाबी लगा दो जी, ये लगा दो गाना, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसा गाना लगा दो कि सारे लोग झूमने लगे, वहाँ पे जितने भी रिकॉर्डिंग बजेंगे या इवन और बैंड भी बजेगा तो वो सारा डिसिप्लिन में यानी मैनर वे पे होगा, सारा विद इन टाइम शुरू होगा, विद इन टाइम पार्टी जो है सो ख़त्म होगी। ये नहीं कि जी भाई नचन दो, है ना, जब तक मर्जी है तब तक करने दो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो सेम वो स्टार्टिंग से ही देखते हैं, इसलिए आपने क्या करना है, मैंने बात करी क्या, सारे टॉपिक्स में गो थ्रू होना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक लेस इम्पॉर्टेंट है। ऑल आर इम्पॉर्टेंट, प्लस वन एंड द प्लस टू, दोनों दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं। पहला जो है उसका नाम है बाइनरी नंबर, और दूसरा जो है वो है कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन। इसके बारे में हम आपको बाद में डिटेल सारा बताएंगे, बट आज के लिए इतना ही है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट कि किस तरीके से हमने अपनी प्लानिंग बनानी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए प्लानिंग जरूरी होती है। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, देन एक्शन। आपने प्लानिंग बना ली, उसके बाद एक्शन करना है। सिर्फ एक चीज़ पे नहीं होगा, एक्शन भी जरूरी है। और एक्शन क्या है, सारा गो थ्रू हुए और 1 or 2 months बिफोर आपने सेट प्रैक्टिस लगातार स्टार्ट करनी है कंटिन्यूटी में, फिर आपकी सिलेक्शन श्योर। Thanks a lot.